मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आगे की एक्सरसाइज 12 में पढ़ाने वाले हैं। हम 5 चैप्टर का करने वाले हैं, 5C एक्सरसाइज, ठीक है। अभी तक हमने प्लस और माइनस करते हैं, अब इसमें क्या मिलेगा? मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, जो कि एक मल्टीप्लिकेशन 2 मार्क्स का एग्जाम में देन श्योर आने वाला है, ठीक है। तो हम पहला सम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5C का, हमें रो में दे रखा है 3 - 1 = 4 और दूसरा एक मैट्रिक्स दे रखा है कॉलम में -2, 6 और 3। ये हमें दे रखे हैं 2 मैट्रिक्स और हमें बोला है कि क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। हमें क्या निकालना है, इसमें AB की वैल्यू निकाल के बताना है। ये हमारा A मैट्रिक्स है और ये हमारा क्या है, B मैट्रिक्स। तो हम A और B का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान से समझ लेना, ये एक रो है और इधर एक कॉलम है, ठीक है। रो का मल्टीप्लाई हमेशा किसमें होगा, कॉलम में होगा। तो इस पूरी रो का मल्टीप्लाई किसमें होगा, इस कॉलम में होगा। तो हम इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए 3 - -2, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, प्लस 6 - -1, 4 - 3, ये हमने मल्टीप्लाई करा। आगे अब वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं AB की। 3 - 6 - 6 - 6 और 4 - 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 12। 6 और 6 कितना हो जाएगा, 6 6 होता है 12। -12 + 12 कैंसिल क्या हो गई, AB की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हमारा AB क्या हो गया, ये मैट्रिक्स 0 0, मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, 0। अब इसमें ऑर्डर ऑफ पेयर क्या बन गई, तो ऑर्डर ऑफ एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो आप ये भी लिखते चलिए तो आपको ध्यान रहेगा, एक रो ही है और एक कॉलम है, क्योंकि एक ही वैल्यू है। अगला क्वेश्चन इसमें बी वाला है, तो बी वाला आप लोग कर लीजिएगा, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं। ये फर्स्ट का ए था, फर्स्ट का बी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात करते हैं, तो हमें मैट्रिक्स दे रखा है, ए वस्तु दे रखा है 0 1 1 0 0 1 और बी की वैल्यू दे रखी है 0 1 2 और 2 1 0। ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करके बताना है, AB। तो हम पहली रो का किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों कॉलम में। तो करते हैं 0 का 0 के साथ होगा 0 * 0 प्लस क्या हो जाएगा, 0 का किसके साथ होगा, 0 के साथ होगा, देखिए ध्यान से, 0 का 0 के साथ होगा 0 प्लस 1 * 2 2 1 का किसके साथ होगा, 2 के साथ। इसका काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट इसी रो का किसके साथ होगा, इसके साथ 0 * 1 1 * 2 1 1 का 1 के साथ होगा दूसरे कॉलम में, फिर इसी का किसी में होगा तीसरे कॉलम में, 2 का हो गया तीसरे कॉलम में करते हैं 0 * 2 और क्या हो जाएगा, प्लस 1 * 0 ये हो गया। अब ये पहली रो का काम खत्म हो गया, इसको आप यहाँ पे कट लगा दीजिए तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, इस रो का मल्टीप्लाई इन तीनों कॉलमों में करना है, ठीक है। एक बार पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर देन तीसरे कॉलम में, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसका काम खत्म हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे कट लगाया है। अब हम ले रहे हैं दूसरा कॉलम, क्या हो जाएगा, 1 * 0 प्लस 1 का इसमें होगा 1 * 0 और फिर क्या होगा, 0 का 2 में होगा, तो 0 * 2 देन फिर इसका 1 का होगा 1 * 1 प्लस 0 * 1 1 का 2 में होगा 1 * 2 और क्या होगा 0 * 0 ये हो गया मल्टीप्लाई। इस सेकेंड रो का भी काम खत्म हो गया। अब हम लेंगे थर्ड रो, तो थर्ड रो ले लेते हैं हम, 0 का 0 के साथ होगा
ये हमने कर लिया मल्टी क्लास का। अब देखिए अब इसको अरेंज कर लेते हैं, देखते हैं क्या फाइंड आउट करने को मिलता है। ये तो पूरा जीरो हो गया, 2 का 1 में हुआ 2 हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, ये पूरा जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये जीरो हो गया भैया, जीरो और ये क्या हो गया 2 हो गया, क्योंकि ये जीरो 1 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 2। आगे बढ़ते हैं, 1 का 1 का होगा ये आगे वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, ये क्या होगा 1 * 1 1 1 ये जीरो हो गया, ये भी जीरो, 1 * 1 1 तीनों 1 1 आ गए। यहां पे ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो है, 1 का 2 में होगा क्या हो जाएगा 2, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये 2 और क्या मिल गया आपको। सर एक मिनट के फिर से देख लीजिएगा, जीरो का इसमें होगा जीरो, 1 का 1 में होगा जीरो, ये तो जीरो हो गया पूरा, 2 का 1 में होगा 2 और ये दोनों भी जीरो है, क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है वो संख्या क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, 2 0 2 1 1 1 और 0 2 0 इसमें ऑर्डर ऑफ पेयर कितने की बन गई, तो 3 रो है देखेंगे आप और 3 कॉलम है, तो कितने की बन गई 3 * 3 की ऑर्डर ऑफ पेयर बन गई। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 है, ये 4th भी सिमिलरली है, मिलता जुलता 5 भी। ठीक है, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th ये तीनों आपके होमवर्क रहेंगे, तो आपको करना है और कल फेयर कॉपी में नोट डाउन करके मुझे उसको चेक कराना है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th मैं लिख देता हूं होमवर्क यहां पे, क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 5th। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6th की, तो 6th में आप देखेंगे क्या दे रखा है, एक ही मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है आपको 1 2 -1, दूसरा दे रखा है 1 2 -1 1 2 -1, थर्ड दे रखा है 3 6 -3 3 6 -3, ये हमें मैट्रिक्स दे रखा है और लिखा है एक वस्तु। हमें इसमें क्या फाइंड आउट करके बताना है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब होता है कि जो डिजिट दे रखी है फाइनल वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, दो बार लिख सकते हैं ए इंटू ए, आप दो बार मैट्रिक्स को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 1 2 -1 1 2 -1 3 6 -3 ये पहला मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स फिर से इसी को लिखेंगे हम एक बार 1 2 -1 1 2 -1 3 6 -3 ये हो गया दो बार। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे आगे सॉल्व करने वाले हैं, आंसर देखिए फिर से वही रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, पहले रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कॉलम है फिर सेकंड के साथ करेंगे फिर थर्ड के साथ करेंगे, तो मैं करके बता रहा हूं आपको, देखिए 1 का 1 के साथ का 1 * 1 थोड़ा बड़ा लिखता हूं आपको दिखाई दे, 1 * 1 फिर 1 का 2 के साथ होगा क्या हो जाएगा प्लस 1 * 2 फिर 3 का -1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3 * -1 ये हो गया पहले वाले में कॉलम का। इसी रो का फिर इसमें करेंगे तो 1 * 1 प्लस 2 * 1 फिर प्लस 3 * -1। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा जाएगा क्योंकि इसमें 3x3 का मैट्रिक्स है और बड़ा मैट्रिक्स है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसी का हम इसके साथ करेंगे, इस रो में भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 * 3 1 * 6 और क्या हो जाएगा 3 - 3 जो क्या हमारा पीओ सॉल्व। अब दूसरा वाला करेंगे, ये पहले वाले रो का काम खत्म हो गया तो यहां पे आप क्रॉस कर दीजिए तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, अब पहले वाले क्या करेंगे 2 * 1 2 * 2 प्लस 6 * -1। ठीक है, इस कॉलम में हो गया, अब इसी का किसमें करेंगे 2 * 1 प्लस 2 * 2 6 * -1
ये हो गया सेकेंड रो में, फिर सेकेंड रो में हो गया हमारा। पहले क्या करा, फिर से एक बार देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं कि गलत तो नहीं करा। टू का वन में करा, टू बन गया टू, टू टू जा फोर, और सिक्स का किस में करा, माइनस वन। फिर इसी रो का किस में कर रहे हैं हम, अब टू का वन में करा, टू बन गया टू, टू टू जा फोर, और फिर क्या कर रहे हैं सिक्स का इसमें करा, सिक्स वन जा सिक्स। ठीक है, ये वाली रो गलत है एक्चुअली, एक ये वाली रो हमने गलत कर दी मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, फिर से चेकआउट कर लीजिए। टू का वन में करेंगे टू इंटू टू, टू टू जा फोर, और क्या हुआ सिक्स का इसमें हुआ सिक्स इंटू माइनस फोर। ठीक है, अब इसी रो का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू इंटू वन, टू इंटू टू प्लस सिक्स इंटू माइनस वन। ठीक है, ये लिखना है। अब देखिए, अब इसी का इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री प्लस सिक्स इंटू टू, है ना, इसका इसमें हुआ, तो पहले मैंने सिक्स लिख दिया, लिख सकते हैं, और क्या हो गया सिक्स इंटू माइनस थ्री। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को देख कंफ्यूजन रहता है तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। माइनस वन का इसमें हुआ तो क्या हो गया, माइनस वन इंटू वन, इसका भी नाम खत्म हो चुका है, इसलिए क्रॉस लगाते हैं। फिर प्लस 2 इंटू माइनस वन, फिर क्या हो जाएगा, दोनों माइनस के, माइनस थ्री और माइनस का वन, ये हो गया आपका। ठीक है, बहुत बड़ा समझा रहा। ठीक है, वन का इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू वन। ठीक है, स्पेस देके थोड़ी सी स्पेस देना है आपको। फिर वन का टू के साथ करेंगे, टू इंटू माइनस वन, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू माइनस वन हो गया, फिर क्या हो गया माइनस थ्री इंटू माइनस वन, नीचे माइनस वन रखेंगे। ठीक है, इस रो का इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, थर्ड वाले में करेंगे, ये दोनों को रफ कर देते हैं। ठीक है, थ्री इंटू स्पेस दिया थोड़ा सा, थ्री इंटू माइनस वन, ठीक है, सिक्स इंटू माइनस वन, और फिर क्या हो जाएगा माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, थोड़ा सा मैट्रिक्स बढ़ा लीजिए, ये हो गया। ठीक है, ये आपका तीनों मल्टीप्लिकेशन करा दिया, मैं एक बार और समझाने जा रहा हूँ, उसको फिर से देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री मल्टीप्लाई का सकते, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, एक बार चेकआउट कर लेना नीचे से कि हम क्या करने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन में बहुत कंफ्यूजन होता है और ये बहुत जल्दी इजीली आता नहीं है, तो इसलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए, नीचे से हम चालू करते हैं, पहले रो का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करा, इसका सेकंड वाले के साथ, और थर्ड डिजिट का थर्ड वाले के साथ करेंगे, फिर पहली डिजिट का पहले वाले के साथ, दूसरी डिजिट का दूसरी वाली डिजिट के साथ, तीसरी डिजिट का तीसरी वाली डिजिट के साथ करेंगे। ऐसे ही देख पहले वाले का पहली डिजिट के साथ, ये देखिए यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा, दूसरी डिजिट का दूसरी वाले डिजिट के साथ, और तीसरी डिजिट का किसके साथ करेंगे, तीसरी डिजिट के साथ चार मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आगे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। रो का हमेशा मल्टीप्लिकेशन किसमें होगा, कॉलम में होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 1 * 1 1 होगा, 2 * 2 2 होगा, और माइनस है, एक बार लिख भी दे देता हूं तो क्या आ जाएगा 1 2 माइनस 3, ये हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा, वन का वर्ग करेंगे वन प्लस टू, और क्या आ जाएगा माइनस का थ्री। नेक्स्ट थ्री बन गया थ्री प्लस सिक्स, और थ्री थ्री का क्या आ जाएगा नाइन। ठीक है, टू का वन में होगा टू प्लस टू टू जा फोर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का सिक्स। आगे हम बढ़ते हैं, टू बन गया टू, टू टू जा फोर, और क्या हो जाएगा माइनस का सिक्स, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, और सिक्स थ्री जा ट्वेल्व, ये भी हो गया। माइनस वन माइनस
3 3 9 माइनस माइनस प्लस का 9। आप देखेंगे आप ध्यान से तो 2 और में क्या हो रहा है 3 हो रहा है, पूरी डिजिट 0 हो रही है। मैं यहां पे बता देता हूं उसको अलग से। अब हमारा मैट्रिक्स क्या हो रहा है वो ध्यान से देखिए, 2 और में 3 माइनस 3 क्या हो रहा है 0, ये काम करता है 0 हो गया। 2 और में 3 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 हो गया। 6 और 3 9 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0, ये भी काम खत्म हो गया। 4 और 2 6 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 हो गया। 2 और 4 क्या हो जाएगा 6 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा 12 और 6 एक बार 18 सॉरी 6 3 का होता है 18, यहां पे 18 रहेगा ठीक है, 6 3 का होता है माइनस का 18। 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 माइनस 18 0। हमें इसमें मिस्टेक पता चल गई वहां पे क्योंकि हमने क्या करा था फिर की सारी वैल्यू क्या होगी 0, तो सभी 0 थे। माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस माइनस 3 क्या हो जाएगा ये भी 0, ये भी माइनस का 3 प्लस का 3 क्या हो जाएगा 0, माइनस का 3 माइनस का 6 क्या हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 0। देखिए सारी वैल्यू 0 0 हो गई, मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है जिसको हम नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था और बड़े टाइप के आने हैं, आप इसमें कितनी रो बन रही है, 3 रो बन रही है और कितने कॉलम बन रहे हैं, 3 कॉलम बन रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना एक बार फिर देख लीजिए, रो का मल्टीप्लाई हम कॉलम में करेंगे, पहले कॉलम के साथ फिर देन इसी रो का सेकंड कॉलम के साथ फिर इसी रो का तीसरे कॉलम के साथ, फिर हम दूसरी रो लेंगे दूसरी रो का पहले के साथ सेकंड के साथ थर्ड के साथ करेंगे, तीसरी रो का फिर पहले के साथ फिर सेकंड के साथ फिर लास्ट वाले के साथ करेंगे, ऐसे करके हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आगे करके ये सॉल्व होती जाएगी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10 आप इजीली कर सकते हैं, अगर 10 वाला नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा या 9 वाला ठीक है। तो 7 और 8 आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है। आगे हम मिलेंगे।